पब्लिक जीनियस यानी ग्वालियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की खास खबर। द SPCS के तत्वावधान में प्रेस क्लब में जी न्यूज और गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा देशभक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब में आयोजित इस कवि सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त कवि अमित चितवन, डॉक्टर ज्योत्सना सिंह राजावत, प्रतिभा द्विवेदी, विपिन तोमर, दिव्या सिंह यादव आदि कवियों ने देशभक्ति से उत्कृष्ट कविताएं सुनाकर दर्शकों को जोश से भर दिया। वहीं विपिन तोमर की सुनाई गई एक रचना ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये समाज कहाँ जा रहा है। कवि सम्मेलन के अतिथि राकेश सिंह जादौर, श्रीमती समीक्षा गुप्ता, यदुनाथ सिंह तोमर, श्याम सिंह सेंगर, राजेंद्र जैन, डॉक्टर अतिबल सिंह यादव आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। सृजन के दौरान इस क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व अच्छा कार्य करने वाले गणमान्य जनों का सार्वजनिक मंच से पीत वस्त्र, सम्मान पत्रक और सम्मान प्रतीक देकर 35 लोगों का सम्मान किया गया। सम्मानीय राकेश जाधव साहब हैं, संत साहब हैं, यदुनाथ सिंह तोमर साहब हैं, रायन जैन जी हैं और अभय शर्मा जी, बहुत सारे मित्र। थोड़ा ताली एक बार इधर भी आराम से चल। द फेथ ऑफ पब्लिक संस्था के द्वारा आए हुए अतिथियों का सम्मान इस समय आप देख रहे हैं। राजेश शर्मा जी देश के लोगों को संस्थापक और सम्मान के सब उसकी दासी सेवक है ये अक्षर, मेरी कल्पना और सोच सब उसके नौकर जाकर, करूं उम्र भर उसकी सेवा, करूं उम्र भर उसकी सेवा और मैं चाहूं मेवा, बस मुझको सोच प्रखर दे हे वीणावादिनी मैया, मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया मैं ना, दोस्तों हमारे बीच
अतिथि है, फल देगा, एक दिन अच्छे फल देगा। ये पौधा जब बड़ा होगा तो आज नहीं तो कल देगा, एक दिन अच्छे फल देगा। पौधा पेड़ बनेगा तो, पौधा पेड़ बनेगा तो फूल लगेंगे, फल देंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ हमारे बीच प्रतिभा द्विवेदी जी हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि भी इस पावन पर्व पर अपनी कविता प्रस्तुत करें। ये हमारे देश के प्रति प्रेम का उद्गार है, कोटिशः कंठों से निकली, कोटिशः कंठों से निकली गीत गंगा पावनम। गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम। ये हमारी चेतनाओं का सघन विस्तार है नहीं ये गीत केवल प्रगति का आधार है। हो रहे इसमें समाये, हो रहे इसमें समाये सत्य शिव और सुंदरम। गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम। और राकेश जाधव साहब, तोहर साहब, सभी से निवेदन है कि जैसा कि इस सम्मान का जो प्रतीक चिन्ह उसमें वृक्ष होता हुए दिया गया है, प्रयास है संस्था के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ही सुंदर प्रयास है। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई रवि से के टाटा के अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह, राकेश जाधव साहब का भी, आदरणीय जाधव साहब, बाबा साहब, तुम साहब जो रात आगे एक बार हो जाए शहर के समाज से भी उनका सम्मान यहाँ पर किया जाए। और मैं रवि भाई से निवेदन कर रहा हूँ, भाई साहब की कमाल है आप, भाई साहब धीरे धीरे कभी हो जाएंगे आप, चिंता मत करो आप, जोरदार ताली एक बार लाइट में राकेश जादन जी के द्वारा। बड़े ही उत्साह के साथ हमारे अतिथि भी स्वागत एक बार हो जाए। और बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़े हुए हैं, ये तस्वीर शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, अभी आप देख रहे हैं कि इस सम्मान समारोह में एक अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय। संत के अगर दर्शन करने हैं तो बाबा लता सिंह जैसों के दर्शन करके हम उस कालखंड में पहुंच सकते हैं जो हम कहते थे कि वार्षिक संत पहले जंगल में रहते थे। हमारा बाबा साहब को बरसों से उनके चरणों में मैं प्रणाम करने जाता रहता हूं। संत जो अपनी ओर जनमानस को खींच ले, जिसके चरणों में सत्ता से अपना सर अपने आप झुक जाए, जिसके मिलने से दिल में शीतलता आ जाए, जिसके पास जो भी फरियाद लेकर जाए कोई खाली न लौटे, सबकी झोली में बाबा लता सिंह जी आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ निश्चित रूप से डालते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं घटना बताना चाह रहा हूँ, आज से 3 साल पहले बाबा साहब ने ऐसी अयोध्य कृपा की, इस ग्वालियर की धरा पे 12-12, 15-15 फुट के पेड़ आज तक कभी हजारों की संख्या में लगे नहीं। बाबा साहब ने हजारों की संख्या में वहाँ पेड़ लगाए ही नहीं, अपे तो पूरी उसकी चिंता भी की। अभी मुझे बता रहे थे कि मैं अभी 3-4 दिन पहले गया था तो हजारों पेड़ों में से 10-12 पेड़ सूखते हैं। ये है वास्तविक वृक्षारोपण, हजारों पेड़ में जो लगे थे उनमें से 10-12 पेड़ सूखे, भी बाबा साहब बता रहे थे। ऐसे मेरे सत्ता के केंद्र बाबा लखा सिंह जी, मंत्री विराजमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई योगराज सिंह तोमर साहब, पूर्व पार्षद मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र जैन साहब, ग्रामीण के पूर्व महामंत्री आदरणीय श्याम सिंह जी, मेरे भाई विक्रम सिंह जी, मंच पर कवि महोदय और उपस्थित बहनों, बिटियाओं और आयोजन विश्व संस्था के अध्यक्ष और सभी उपस्थित बंधुगणों,
सामान्यतः से कोई भी व्यक्ति जब किसी का सम्मान करता है तो निश्चित रूप से मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। आज मुझे मथुरा जाना था लेकिन कल बात हो गई थी अपने जी से और उनका चिट्ठी मिली तो मुझे लगा कि कुछ अच्छे लोगों का दर्शन करने का अवसर खोना नहीं चाहिए। समाज में प्रायः यह परंपरा धीरे 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 कम होती जा रही है। हम अच्छाइयों की सर्वत्र प्रशंसा नहीं करते, चर्चा नहीं करते, बुराइयों की सर्वत्र प्रशंसा करते हैं और जिसकी चर्चा ज्यादा होती है निश्चित रूप से वही चीज समाज में ज्यादा व्याप्त होती है। अच्छी अच्छी चीजों की अगर हम चर्चा करें, अच्छी चीजों पर विचार विमर्श करें, संतों का अवगमन होता रहे समाज के अंदर तो निश्चित रूप से समाज में एक परिवर्तन आता है। अभी यह वृक्षारोपण किया गया, मैं संस्था के अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को और सभी अतिथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये जो वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। यहाँ तो अपन लोग बहुत बहुत बड़ी संख्या में, ये संख्या कम नहीं है। भीड़ कभी भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकती। कम लोग और वो भी संत गणों में बैठ करके अगर कुछ चिंतन करेंगे तो आप क्या मानो समाज में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। ध्यान करो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ध्यान करो, संत बार बार याद आ वाली है, हम पर बाटी भूल रहे, संत बार बार याद आ वाली, हम पर बाटी भूल रहे, भूल रहे राणा जी सबको हल्दी घाटी, भूल रहे राणा जी सबको हल्दी घाटी, भूल रहे सतनता के हवन कुंड में हो सकती है, शत शत नमन करो वीरों को, शत शत नमन करो वीरों को, वीरों पर अभिमान करो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ध्यान करो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ध्यान करो, पत्थरबाजी नारेबाजी बहुत वीर सैनिकों की कुर्बानी हो, वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है, हम तो चाहे मिट भी जाए हिंदुस्तान जरूरी है, हम तो चाहे मिट भी जाए हिंदुस्तान जरूरी है। जन्नत ये संसार करो, सबका मालिक एक है प्यारे, ये भी को श्रृंगार करो और छेद करो मत उस थाली में जिस थाली में खाते हो, कोई मजहब तब कहता है राजों का व्यापार। भाई विभिन्न साइन से माँ वीणा पानी को प्रणाम करता हूँ। न चूड़ी, न बिंदी, न कंगन, न जेवर में लिखेंगे, अब हम जो भी लिखेंगे अपने तेवर में लिखेंगे, अब हम जो भी लिखेंगे अपने तेवर में लिखेंगे। और चार पंक्तियां रखता हूँ, मैं इसको समर्पित करता हूँ कि लिखने को तो मैं भी लिख सकता हूँ प्रेम भरी बातों पर, लिखने को तो मैं भी पर, लिखने को तो चूड़ी बिंदी कंगन की खनखन लिख दूँ, भरवानंद में शोर मचाती पायल की खमखम लिख दूँ, लिखने को तो लैला मजनू रांझा हीर लिखूँ, किसी क्रोध का वध होने पर आंखों का मैं नीर लिखूँ, सुबह अवध की और मथुरा की मैं शाम लिखूँ, बच्चन की मधशाला के हंसते गाते जाम लिखूँ, लेकिन भारत माता जब चुपके चुपके सौ सौ आंसू रोती है, कलम मेरी व्याकुल हो शब्दों में अंगारों को बोती, अदरों को अदरों पर रखने वाले मेरे छंद नहीं होंगे, ना कुर्सी के जय घोष लिखूं ना किसी के मन को भाता हूँ, मैं चंबल का बागी बेटा गीत वाक्य गाता हूँ, मैं चंबल का बागी बेटा गीत वाक्य गाता हूँ। चार पंक्तियों हुतात्मा को समर्पित करता, अंतस इंकलाब के जयकारों पर झूमा था, काल चक्र के सम्मुख जिसने मृत्यु से आंख लड़ाई थी, जिसके आगे हरदम गोरों ने मुंह की खाई थी, आजादी के हवन कुंड में जिसने अपना मस्तक झोंक दिया, अंग्रेजों के दिनकर को जिसने मध्यांचल में रोक दिया, सागर की लहरों का संयम जिसके आगे डोला था, आजादी की खातिर जिसने रंगा बसंती चोला था, ऐसे भगत सिंह के आगे मैं अपना शीश झुकाता हूँ। और मंच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं इस नारे का सम्मान करता हूँ और मैं तुझे एक कविता पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक कन्या जब किसी भीड़ में उसकी हत्या की जाती है, किस तरीके से हत्या की जाती है, आखिर उसके भाव क्या रहे होंगे, वो भाव आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करता हूँ, वो कविता पढ़ता हूँ। दो मुश्किल काम होते हैं, कविता पढ़ना एक, कविता सुनना एक मुश्किल काम, मैं करता हूँ एक मुश्किल काम, आप लोग करिए, कविता देखें और कविता के भाव देखें।
कि बेटी दर्द सुनाती मुझको सुनने को मजबूर हुआ। बेटी दर्द सुनाती मुझको सुनने को मजबूर हुआ। मानवता से मानव अब तो लगता कोसों दूर हुआ। तड़प रही थी गर्भाशय में बिन पानी के मछली थी। नन्हे से हृदय में उसके कोंद रही थी। पेट के अंदर होते खूनी मंजर को आंखें लाल डॉक्टर करता हाथ में लेके खंजर को। चीख चीख कर कहती बेटी क्या ये जुर्म हमारा है। तो गर्भपात करवाए पिता वो पिता नहीं हत्यारा है। गर्भपात करवाए पिता वो पिता नहीं हत्यारा है। खड़ा पिता भी देख रहा था कटते अपनी बेटी को। खड़ा पिता भी देख रहा था कटते अपनी बेटी को। और हाथ में थैला लेकर रखता एक एक बोटी को। पेनी छुरी पेट के अंदर जब कहराम मचाती थी। लहर कोई सागर से उठ के अंबर से टकराती थी। गर्भपात करवाए पिता वो पिता नहीं हत्यारा है। जय चंबल जय संबल भारत माता की। ये बेटों से ज्यादा बोझ भी ढोती हैं बेटियां। बेटों से ज्यादा बोझ भी ढोती हैं बेटियां। फिर भी हमारे देश में रोती हैं बेटियां। फिर भी हमारे देश में रोती हैं बेटियां। और देखिए आपके आते ही घर में बेटी के मातम को समझे हैं। आते ही घर में बेटी के मातम को समझे हैं। कहते थे जो कि देवियां होती हैं बेटियां। कहते थे जो कि देवियां होती हैं बेटियां। और बेटी का कितना बड़ा काम होता है कि ये दो घरों के बीच में बन जाती हैं एक पुल। ये दो घरों के बीच में बन जाती हैं एक पुल। दिल की जमीन पे प्यार ही बोती हैं बेटियां। दिल की जमीन पे प्यार ही बोती हैं बेटियां। और दोस्तों होंगी ना बेटियां तो ये दुनिया ना होगी फिर। होंगी ना बेटियां तो ये दुनिया ना होगी फिर। दुनिया में अपने सपनों को भूती हैं बेटियां। फिर भी हमारे देश में रोती हैं बेटियां। और बेटों की तरह दोस्तों बेटी भी पालिए। बेटों की तरह दोस्तों बेटी भी पालिए। हीरे हैं अगर बेटे तो मोती हैं बेटियां। हीरे हैं अगर बेटे तो मोती हैं बेटियां। जिस दिन बेटा बेटी दोनों होंगे एक समान उस दिन सबसे आगे होगा अपना हिंदुस्तान। माँ की भोली सूरत में भी देखो अपनी बेटी। माँ की भोली सूरत में भी देखो अपनी बेटी। माँ भी तो होगी पहले सोचो किसी की बेटी। माँ भी तो होगी पहले सोचो किसी की बेटी। और बेटी को भी जीने दो क्यों लेते उसकी जान। उस दिन सबसे आगे होगा अपना हिंदुस्तान। और बहना के बिन कैसे होगा अपना रक्षा बंधन। बहना के बिन कैसे होगा अपना रक्षा बंधन। फिर राखी फिर बंधवाएगा बोलो किससे चंदन। बिन बेटी तो मिट जाएगी घर की भैया शान। और फिर सबसे आगे होगा अपना हिंदुस्तान। यही दोनों चिंतनीय विषय हैं और यही दोनों के लिए आप जो आयोजन करते हो मंच के माध्यम से संदेश देते हो निश्चय ही आप एक बहुत बधाई के भी पात्र हैं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले जो आजकल विषय चल रहा है छोटी बच्चियों पे उस पर एक मुक्तक है। कारी कारी अंधियारी लील रही उजास। काली काली अंधियारी लील रही उजास। तारे डरे जुबा पे गलियन भटके आस। तारे डरे जुबा पे गलियन भटके आस। तार तार लज्जा भई निकल गई स्वास। आस बनी थी न्याय से मिल रहा उपहार। मिल रहा उपहार। अब अपनी बात करते हैं बेटी पर। जोरदार तालियां एक बार भाई पिन के लिए। ये थाली वाली बजा दो। अच्छा बजना जी ना लगना जी के। हाँ जी जी
देना, एक सर्टिफिकेट देना। समीक्षा गुप्ता जी का सम्मान। वीडियो आएगा, वीडियो आइए 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 आइए। हाँ, ताली वाली बजाते रहो, थोड़ा सा ताली बजाने से कई फायदे। सबसे पहला फायदा जी, मच्छर होंगे तो जोरदार तालियां एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मैडम आपका स्वागत है। जब ये तो पब्लिक के द्वारा आज स्टेट क्लब में वृक्षारोपण किया गया है, तो वृक्षारोपण के ऊपर हम सभी से पूछ चुके हैं, आपसे भी जानना चाहते हैं कि पर्यावरण के लिए ग्वालियर में वृक्षारोपण कितना जरूरी है। मैं मानती हूँ कि ग्वालियर में ही नहीं, पूरे देश में पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है। और हम सब देखते हैं कि जो वार्मिंग ग्लोबिंग का काम हो रहा है कि हर जगह कम बारिश होना या प्रदूषण हवा में बहुत प्रदूषण की जहाँ की सांस लेना भी हम सबको हर शहर में हर जगह में बहुत दुश्वार हो गया है। मेरा मानना है कि पौधे लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उनको एक बच्चे के जैसे केयर करना बहुत ज़रूरी है। और मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से हम अपने बच्चे की केयर करते हैं, उनका लालन पोषण करते हैं, वैसे ही पौधे लगाए जाए। और उसका एक पौधा लगाए ना तो उसको जब तक वृक्ष ना बन जाए तब तक उसकी देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि जब पल्लवित और पुष्पित होता है वो वृक्ष, तो निश्चित तौर पर हमको शुद्ध हवा देता है, फल वाला होता है, फल देते हैं। और आज के समय में क्योंकि कम बारिश हो रही है, हम सब देखते हैं कि ग्वालियर में खासतौर से हम तिगरा के ऊपर निर्भर है पानी के लिए, और आज हमारा तिगरा लगभग 5-6 साल से बिल्कुल ओवरफ्लो नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर, किसी एक व्यक्ति को नहीं, किसी एक संस्था को नहीं, हम सबको मिलकर वृक्षों को लगाना चाहिए। और मीडिया हम संस्था के माध्यम से या लोगों के माध्यम से करेंगे कि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को कुछ दे पाएंगे और वातावरण स्वच्छ होगा और पर्यावरण स्वच्छ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन या कोई भी व्यक्ति हालांकि फलदार या छायादार वृक्ष है और जो पल्लवी हो चुका है उसको बिना कारण के उसको हटाते हैं। हो सकता है किसी कारणवश कोई पौधा या कोई पेड़ हटाना पड़े, तो मुझे लगता है अगर हम एक पेड़ हटा रहे हैं किसी का, हमको 10 पेड़ को रोकना चाहिए, तो उसकी भरपाई उससे हो सकती है। उपहार में एक तुलसी का पौधा है, क्योंकि हम तुलसी को बहुत पवित्र मानते हैं, और वो तुलसी का पौधा अगर हर घर में, हम सबसे पहले आंगन में एक तुलसी का पौधा सबसे घर मिल जाता है, लेकिन आज व्यस्त होकर कारण जो भी कारण रहा हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि बिना कारण के किसी को किसी भी पौधे को हटाना बहुत दुखद है और बहुत निंदनीय है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ अगर हम किसी कारण हटा रहे हैं एक पौधा, पौधे लगाने के लिए, और उपहार में हम अगर एक पौधा देंगे, और आप हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम यही सिखाएं कि हम अपने दोस्त हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, हम बहुत सारी चीज़ें दें लेकिन एक पौधा दें। और मुझे लगता है कि जब वो पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, फूल का हो, फल का हो, छायादार हो, तो उसमें पहला फूल आता है, मुझे लगता है आनंद जो अनुभूति पहला फल जो आता है, सबके मन को बहुत दर्द करता है। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।